चाचा चौधरी और राका का इंतकाम पार्ट वन। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वह घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है। डाकुओं के देवता गगोल, शेखीन की प्रार्थना कबूल करो। मैं जानता हूँ कि हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यहाँ डाकू वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। मुझे याद है जब डाकुओं का नेतृत्व राका के हाथों में था तो हे गगोल देवता, हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी जंगल में सफेद चादर सी फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहलाया जाता था, फिर नरमुंडों के गहनों से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वो सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास है, ये वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। ये सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फिकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। मैं बचा हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मारकर बदला ले सकूं। और शेखीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी के घर पर, भाग्यवान, मेरा भीमसेनी लठ कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। काफी दिनों से चोर उचक्का घर में नहीं आया, इसलिए लठ की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। वह अनाड़ी चोर था, खोपड़ी पर दो बेलन पड़ते ही भाग खड़ा हुआ। फिर भी अगर चीज बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वो नकारा हो जाती है। लठ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना ही होगा। और चाचा चौधरी अपने स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। देखता हूँ शायद जहाँ फालतू चीजें रखी रहती हैं, उस स्टोर में वह पड़ा हो। स्टोर रूम के अंदर, मिल गया। बेचारे की क्या दशा हो गई है, धूल की परत जम गई है और इसके इर्द गिर्द मकड़ी ने जाला भी बुन दिया है। चाचा चौधरी भीम सेनी लठ को झाड़ पोछ कर अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। इस लठ को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए, बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली। और एक गली की नुक्कड़ पर शेखीन चाचा चौधरी को देखते ही उन पर अंधाधुंध फायर कर देता है। चाचा चौधरी एक झुकाई देकर गोलियों से बच जाते हैं। भागो! और तुरंत वहां से दौड़ लगा देते हैं। शेखीन चाचा चौधरी का पीछा करता है। चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर शेखीन ठिटक जाता है। कहा गया वो कमबख्त। तभी शेखीन की नजर चाचा चौधरी की पगड़ी पड़ जाती है। अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा छुपा है। चाचा चौधरी, अब तुम फंस गए। शेखीन एक बार फिर चाचा चौधरी पर अंधाधुंध फायर कर देता है। तभी उसके सिर पर जैसे वज्रपात होता है, भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार शेखीन के सर पर। ओह! और कुछ देर बाद पुलिस वहां आकर शेखीन को गिरफ्तार कर लेती है। धन्यवाद चौधरी, ये डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस अपने साथ डाकू को गिरफ्तार करके
चल देती है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लाठी, फिर भी जीत चाचा चौधरी की हुई? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। शहर से दूर एक समुद्र के तहलटी में खूंखार डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे वह मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगलकर राका चिर निद्रा में सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया था, जहां उसे एक विशाल वेल मछली निगल गई। वह कई दिन तक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह राका को पेट में लिए तैरती रही। डाकू राका वेल मछली के पेट में अवचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुलता है और चिर निद्रा फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। वेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती है। ओह, मैं कहां हूं? यहां तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वो वेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। डाकू राका समुद्र की गहराई से ऊपर की सतह की ओर चल देता है। समुद्र से दूर शहर में अचानक एक कुत्ता रोने लगता है। कन्हैया लाल, ये कुत्ता क्यों रो रहा है? कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। हे भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। समुद्र में तैरती हुई एक मोटर बोट। समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो, समुद्र में तो हलचल होती ही रहती है। तभी अचानक उनकी बोट हवा में उठ जाती है। ओह, ये क्या? निधि, संभलो। राका उस बोट को गहरे समुद्र की ओर हवा में उछाल देता है। चूहो, जाओ पानी में मछलियों का भोजन बनो। और कुछ ही देर में राका तैर कर समुद्र से बाहर आ जाता है। चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्याएं करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। थोड़ी देर में राका एक थिएटर के सामने पहुंचता है, जहां काफी भीड़ थी। ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। हाँ भाई, सही कहते हो। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी।